और डीएचए रेल्टर्स के इश्तराक से कवाली नाइट का रंगारंग एहतमाम। सदर अबू बकर भट्टी, इत्तेहाद मार्केटिंग के सीईओ जीशान भट्ट, रेलशन ग्रुप के सीईओ उमर मलिक, कसब स्टेट से मियां तारिक मुनीर, फास्ट डील से हुमायूं भट्टी, यासिर मलिक राना रिजवान समेत डीलर्स की कसीर तादाद समेत मियां जाहिद इस्लाम और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने शिरकत की। रंगारंग तकरीब में साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के मशीर तला बरकी, डिप्ट मीर लाहौर राव शहाबुद्दीन की भी शिरकत, मारूफ कवाल आसिफ अली संतू और हमनवा ने तकरीब में अपनी शानदार आवाज से समा बांध दिया। हाजीन महफिल कवाली से खूब लुत्फानंदोज हुए। सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि इतने शॉर्ट नोटिस पे इतनी मोहब्बत दी है दोस्तों ने। आप देखें कि अभी जो है वो जोग दर जोग दोस्त आ रहे हैं और आप पंडाल के अंदर सूरत हाल देखें और बाहर आप देखें, इंशाल्लाह अगले आप एक घंटे में देखेंगे कि यहाँ पे आपको कम अज़ कम जो है वो 1000 के करीब जो है ना वो दोस्त, जिसमें से 500-550 से 600 आपको वोटर इंशाल्लाह तआला आज गिना के यहाँ से भेजेंगे। और ये रेफरेंडम होगा इलेक्शन 2021 का, क्योंकि रियल्टर्स से सारे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि रियल्टर्स का जो दर्स था या जो एक रिक्वेस्ट थी वो वन कम्युनिटी वन ग्रुप की थी, और आज हम यहाँ पे इंशाल्लाह ताला साबित करेंगे कि हर ग्रुप के दोस्त यहाँ पे मौजूद होंगे इंशाल्लाह ताला, और उसको सबको यहाँ पे इकट्ठा करके हम साबित करेंगे कि वन कम्युनिटी वन ग्रुप है। और सर अपने जो आपके सपोर्टर्स हैं उनको क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज यही है कि इलेक्शन किसी भी पैनल से लड़ें लेकिन अखलाकियात को जो है वो बरकरार रखें, क्योंकि सारे हम भाई हैं, प्यार मोहब्बत से जो है ना वो इलेक्शन कंटेस्ट करें, अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन कंटेस्ट करें। हमारे पास अपनी कारकर्दगी मौजूद है, हमने उसकी अपनी कारकर्दगी को दिखा के वोट मांगना है, अपने फ्यूचर प्लान्स को दिखा के वोट मांगना है। जितने भी दूसरे पैनल्स हैं उन्होंने ऑलरेडी टेन्योर गुजारे हुए हैं, वो अपनी कारकर्दगी पिछली वाली भी दिखाएंगे लोगों को और अगली भी आने वाले फ्यूचर प्लान्स पे वोट मांगेंगे। तो सारी कम्युनिटी जो है वो कंपैरिजन करे, 4 के 4 पैनल्स हैं या 5 पैनल्स आते हैं या 3 पैनल्स आते हैं, तो वो कंपैरिजन करके आपस में शख्सियत को जो है वो उससे बाहर निकल के ग्रुप से बालातार होके तो वोट करें सिर्फ कम्युनिटी की बेहतरी के लिए, कि जिसने जो काम किए उसके काम को वोट दें। जी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं सबसे पहले, और अपनी कम्युनिटी का बेतहाशा शुक्र गुजार हूँ मैं, जिन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमारी एक कॉल पे यहाँ पे अपनी प्रेजेंस शो की है। और मैं समझता हूँ कि हमने एक फिर नई रवायत
जो कि शुरू से लेके चल रहे थे उसको बावर कराया आज कि हमारे साहब ने, चाहे रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम उनके लिए उतना ही प्यार रखते हैं जिससे किसी एक रजिस्टर्ड वोटर के लिए रखते हैं। हमारा काम है मोहब्बतें बांटना, लोगों के लिए आसानी बांटना, और वो अल्लाह का शुक्र है हम बांटते आ रहे हैं, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं रखते हम कि किसी किस्म का भी इबहाम ना रखें। और आज आप देख रहे हैं जो कम्यूनिटी ने रिस्पॉन्स दिया है वो सबके सामने है, और उन्होंने अपना आज रिज़ल्ट दे दिया। इनफैक्ट अब कंपेन एक चलेगी रूटीन में, और लोग शामिल होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और हम ये काफ़िला इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारी एक स्ट्रेंथ हो, हमने किसी फोरम पे भी कोई काम करना हो तो हमें पता हो कि एक यूनिटी के साथ हम एक पूरी कम्युनिटी को लेके चल रहे हैं। जी आज अल्हम्दुलिल्लाह जी पूरी डीएचए रियल कम्युनिटी जो है डीएचए रिलेटर की आवाज़ पे बड़े शॉर्ट नोटिस पे जो है वो इलिट मार्की में पहुंची है। ये मोहब्बत है, प्यार है लोगों का जो डीएचए रिलेटर के साथ है, क्योंकि डीएचए रिलेटर ने 3 साल बहुत ज़्यादा लोगों की खिदमत की है। जो बड़े बड़े मसाइल थे हमारे उसके हल के लिए जो है उन्होंने दिन रात एक किया, और इसी वजह से इलेक्शन की आमद के साथ ही डीएचए रिलेटर का आज पहला इकट्ठ है। और तकरीबन आलमोस्ट डीएचए के तमाम जो हमारे स्टेट एजेंट है रजिस्टर्ड आलमोस्ट 70% यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और इंशाल्लाह थोड़ी सी देर बाद जो है वो इवेंट का आगाज़ होगा। ये इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वन कम्युनिटी वन ग्रुप की तरफ से हमारा ये इवेंट है, और हम अपने डीलर बरादरान के लिए जो है ना कुछ नया करने जा रहे हैं, और कोशिश हमारी ये है कि डीएचए में जो ना हमारा जो अंदर के मामलात हैं, मसलन ट्रांसफ़र इजी हो, उसके अलावा इज़्ज़त जो ना हमारे डीलर बरादरान की सारे सब की इज़्ज़त वहाँ पे बहाल हो, इसके लिए ये एक कोशिश है जो हम कर रहे हैं। सबको कोशिश हमारी ये है कि जितने ग्रुप हैं ये वन ग्रुप बने, और उसकी वजह से हमारी डीएचए में इज़्ज़त भी बने।